हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू सचिन मैथ क्लासेस। हमारा जो न्यूमेरिकल एनालिसिस मैथ चल रहा है बीएससी बीटेक वालों के लिए, उसमें हम आज बात करेंगे ग्राफे रूट स्केलिंग मेथड, जो कि बहुत ही इजी मेथड है और बहुत ही अच्छा मेथड है। बस इसमें थोड़ा कैलकुलेशन रहेगा, बाकी ही हमारा बहुत ही ईजी है। ये एक क्यूबिक इक्वेशन के लिए इसको हम यूज करते हैं, इस मेथड को वर्किंग रूल समझते हैं। तो बहुत ही आसान, सबसे ईजी मेथड है हमारा ये, और बाकी मैंने बहुत ही सारे टॉपिक्स न्यूमेरिकल एनालिसिस के करा दिए हैं। बस 8-9 टॉपिक और बचे हुए हैं हमारे, बहुत जल्दी हमारा न्यूमेरिकल एनालिसिस में कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहले हमारा एक क्यूबिक इक्वेशन एक ये गिवन रहेगा हमारा। ठीक है, ये हमारा गिवन रहेगा, इसमें हमें क्या करना है, इसमें हमें देखना ओड पावर कौन कौन सी है। ये हमारी ओड पावर है, आपको दिख रहा है 3 क्या है, ओड पावर है, और इसकी पावर कुछ भी नहीं, तो इसके ऊपर 1 है, 1 भी क्या है हमारा, ओड पावर है। ये दोनों क्या हमारे ओड पावर है। ठीक है, तो हमारे दोनों जो ओड पावर है इनको हम एक साइड रख लेंगे। ठीक है, ax³ + cx, इन दोनों को एक साइड, और ये दोनों बच गए, इसको और इसको हम दूसरी साइड लेके चले जाते हैं। ये उस साइड जाएंगे तो -bx² - d, ये हो गए हमारे। उसके बाद इसमें से क्या करेंगे, हमारा दोनों में से क्या आ रहा है, एक्स कॉमन आ रहा है, हमने एक्स कॉमन ले लिया, तो जैसे क्या बच गया, ax² + c = -bx² - d, ये हो गया हमारा, क्या हो गया हमारा, ये हो गया। इसके बाद इसको क्या ले लेंगे, इक्वेशन नंबर 2, और क्या कर देंगे, स्केलिंग बोथ साइड, क्या कर देंगे, स्केलिंग बोथ साइड। तो इधर क्या हो जाएगा, ax² + c² - bx² - d², ये बन जाएगा हमारा, क्या बन जाएगा हमारा, ये बन जाएगा। इसको क्या मान लेंगे, इक्वेशन नंबर हम 3 मान लेंगे। ठीक है, अब क्या करेंगे, देखो मैं अब नेक्स्ट स्लाइड के ऊपर चलता हूँ, इसको कॉपी कर लेते हैं यहाँ से। तो हमने इसको कॉपी कर लिया है। ठीक है, अब क्या करेंगे, इसको हमने क्या माना, इक्वेशन नंबर 3 माना। अब जो हमारा ये x² है, इसकी जगह हम क्या कर देंगे, पुट x² = क्या कर देंगे हम, y, इन इक्वेशन 3rd में पुट कर देंगे, तो x² की जगह क्या आएगा हमारा, y आ जाएगा। तो क्या बन जाएगा, y ay + c² - by - d² ये क्या बन जाएगा, इक्वेशन नंबर 4। क्या क्या हमने, मैंने जहाँ जहाँ x² था, ये 3 जगह x² था, इसकी जगह मैंने क्या पुट कर दिया, y पुट कर दिया। ठीक है, और हमारा ये क्या बन गया, इक्वेशन नंबर यहाँ से 4 बन गया। ठीक है, अब क्या करेंगे, जो हमारा ये आया है इसको हम ओपन करेंगे होल स्क्वायर को, और क्या करेंगे, ओपन, क्या करेंगे हम, सोल्व दिस इक्वेशन एंड रीअरेंज सो अगेन कम क्यूबिक इक्वेशन, और दोबारा हमारा क्या बन जाएगा, इसको हम सोल्व करेंगे पूरे को, तो अगेन हमारा क्या बन जाएगा, ऐसा एक क्यूबिक इक्वेशन बन जाएगा, क्या बन जाएगा, ऐसा एक क्यूबिक इक्वेशन बन जाएगा हमारा। ठीक है, तो अगेन इसमें हम क्या करेंगे, ओड पावर और इवन पावर को अलग अलग करेंगे, क्या करेंगे, ओड पावर और इवन पावर को अलग अलग करके हम ये प्रोसेस पहली बार तो हमने कर दिया, सेकेंड बार में हमारा जब वाई स्क्वायर आएगा तो वाई स्क्वायर की जगह हम क्या पुट कर देंगे, जड़ पुट कर देंगे, फिर हम एक बार और करेंगे 3rd टाइम, तो हमारा क्या रहेगा, जड़ स्क्वायर की जगह क्या पुट करेंगे हम, यू पुट कर देंगे, क्या पुट कर देंगे, यू। ये प्रोसेस हमारा 3 बार चलेगा, 3 बार हमें ये करना पड़ेगा यहाँ पे। ठीक है, सेम जैसे मैंने स्टेप नंबर 1 आपको ये करवाया है, ये वाला स्टेप 1, ये हमें 3 स्टेप करने हैं। एक बार हमने क्या किया, x² = y पुट किया, ये पुट किया,
अगली बार हम वाई स्क्वायर इक्वल टू जेड पुट करेंगे, उसके बाद हम जेड स्क्वायर इक्वल टू यू पुट करेंगे, ठीक है। उसके बाद हम रूट निकालेंगे, वो मैं क्वेश्चन की हेल्प से आपके बताऊंगा कि रूट कैसे निकालेंगे, उनका अलग फॉर्मूला है, वो लास्ट में बता दूंगा। वैसे आपको ये तीन स्टेप यहाँ से पता होना चाहिए, ठीक है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है हमारे, ठीक है। तो अभी हम करेंगे, आगे चलते हैं क्वेश्चन के ऊपर और क्वेश्चन की हेल्प से उसको समझते हैं कि कैसे आए। सबसे इजी, सबसे अच्छा मेथड है, बहुत बार एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन मैंने लिया हुआ है आगे, ठीक है। अगला है हमारा डिटरमाइन ऑल रूट ऑफ द गिवन इक्वेशन बाय ग्राफ ए रूट स्क्वेयरिंग मेथड। हमारा ये दिया हुआ है और हमें क्यूबिक इक्वेशंस दी हुई है ये, ठीक है। तो सबसे पहले सॉल्यूशंस के ऊपर चलते हैं, क्योंकि मैंने आपको वर्किंग रूल तो बता ही दिया था। एक्स क्यूब माइनस टू एक्स स्क्वेयर माइनस फाइव एक्स प्लस सिक्स इज इक्वल टू जीरो, ये हो गई इक्वेशन नंबर वन हमारी, क्या है गिवन है। अब क्या करेंगे, मैंने क्या बताया था, ओड पावर, ओड पावर दोनों को एक तरफ रख लेंगे, बाकी को दूसरी साइड भेज देंगे। तो इधर क्या जाएगा, एक्स क्यूब माइनस फाइव एक्स, और वो दोनों चली जाएगी नेगेटिव, उस साइड जाके पॉजिटिव हो जाएगी टू एक्स स्क्वायर माइनस सिक्स, ये क्या हो गया इक्वेशन नंबर सेकेंड हो गया हमारा। यहाँ पे क्या हो गया, इक्वेशन नंबर सेकेंड हो गया। अब क्या करेंगे, स्केयरिंग बोथ साइड, क्या करेंगे यहाँ पे, क्या करेंगे हम यहाँ पे स्केयरिंग बोथ साइड करने से पहले मैंने आप क्या बताया था, देखो स्टेप के ऊपर देखो एक बार, यहाँ से चलने के बाद इसमें से क्या जाएगा, एक्स हमारा कॉमन आ जाएगा। देखो यहाँ क्या कर देंगे, पहले कॉमन लो आप एक्स, वैसे स्टेप ध्यान रखना है आपको, एक्स कॉमन लिया तो यहाँ कितना बच गया, एक्स स्केयर माइनस फाइव इज इक्वल टू, अब यहाँ देखो यहाँ क्या है हमारा, इसमें से किससे टू कॉमन आ रहा, जो हमारा कॉमन आ रहा है वो कॉमन ले लेना, यहाँ क्या है टू कॉमन आ रहा है तो इधर क्या बचेगा, एक्स स्क्वायर माइनस थ्री, टू कॉमन ले लिया मैंने, ये कौन सा आ गया इक्वेशन नंबर थर्ड आ गया हमारा। तो इसके बाद हम क्या, इसके बाद हम क्या करेंगे, हम इसका स्क्वायर कर देंगे, क्या कर देंगे, स्क्वायरिंग बोथ साइड, बोथ साइड ऑफ इक्वेशन थर्ड, तो ये क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर हो जाएगा, और ये एक्स स्क्वायर माइनस फाइव का क्या हो जाएगा, होल स्क्वायर, और ये टू का स्क्वायर एक्स स्क्वायर माइनस थ्री, ये क्या आ जाएगी इक्वेशन नंबर हमारी फोर आ जाएगी। अब मैंने क्या बताया था, पुट एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू वाई इन इक्वेशन फोर, क्या कर देंगे, ये हम क्या कर देंगे, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू वाई पुट कर देंगे, ठीक है, इक्वेशन नंबर फोर में। तो हमारा एक्स स्क्वायर यहाँ पे है, यहाँ पे है, और यहाँ पे है, यहाँ सभी जगह क्या कर देते हैं, हम वाई पुट कर देते हैं, तो क्या जगह वाई, वाई माइनस फाइव का होल स्क्वायर, और टू का स्क्वायर ओपन करेंगे तो कितना हो जाएगा फोर, इधर से कितना हो जाएगा वाई माइनस थ्री, इसको क्या मान लेते हैं इक्वेशन नंबर फाइव, ठीक है, क्या मान लेते हैं इक्वेशन नंबर फाइव, और इसको मैं सेम आगे लिख लेता हूं, तो हमारा यहां से इसको हम लिख लेते हैं एज इट इज, सेम जो इक्वेशन नंबर फाइव आई थी उसको लिख लेते हैं। तो अभी इस इक्वेशंस को क्या करेंगे, हम रीअरेंज करेंगे, तो कैसे करेंगे, वाई वाई इसका ओपन कर देंगे होल स्क्वायर, ए माइनस बी का होल स्क्वायर का जो फॉर्मूला होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस टू ए बी, इससे हम क्या कर देंगे, इसको ओपन कर देंगे यहाँ पे, क्या कर देंगे यहाँ पे, इसको हम ओपन कर देंगे सेम जैसे ये था हमारा, और इधर देखो मैं स्क्वायर लगाना भूल गया था, क्योंकि स्क्वेयरिंग बोथ साइड किया था हमने, तो मैंने ये कर देता हूँ यहाँ पे, या मैंने स्क्वेयरिंग बोथ साइड किया था तो यहाँ पे क्या आएगा, स्क्वायर आएगा, तो ये मैंने पूरा कर दिया है। अभी हम इधर भी हमारा स्क्वायर था सेम, ठीक है, अभी हम इधर क्या करेंगे, इसको ओपन कर देते हैं ए माइनस बी का होल स्क्वायर से, तो क्या आ जाएगा, वाई का स्क्वायर प्लस फाइव का करेंगे तो ट्वेंटी फाइव माइनस टेन वाई, इसको करेंगे फोर वाई स्क्वायर प्लस नाइन सिक्स वाई, ये हो गया। अब इसको क्या करेंगे, रीअरेंज, अब इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ कर देते हैं, तो क्या आ जाएगा, वाई क्यूब प्लस ट्वेंटी फाइव वाई माइनस टेन वाई स्क्वायर इज इक्वल टू फोर वाई स्क्वायर प्लस नाइन, सॉरी फोर मल्टीप्लाई नाइन थर्टी सिक्स,
36 माइनस 24y, ये आ गया। अब इसको रीअरेंज करेंगे, एक साइड लेके आएंगे तो हमारा क्या बन जाएगा, इधर से क्या जाएगा, y क्यूब माइनस 14y स्क्वायर प्लस 49y माइनस 36 इज इक्वल टू 0। ये क्या जाएगी हमारी इक्वेशन नंबर 6 आ जाएगी, इधर से क्या जाएगी इक्वेशन नंबर 6 आ जाएगी यहाँ से। अब अगेन चलेंगे हमारा, अब क्या करेंगे हम, सिंपल सा हम अगेन क्या करेंगे, यहाँ पे ओड पावर, ओड पावर सेम, ये हमारा इधर से क्या हो गया, स्टेप नंबर 2 फॉलो हो जाएगा यहाँ से, ठीक है। अगेन क्यूब हो गई हमारी, तो इसको हम क्या कर देंगे, एक साइड लेंगे तो y क्यूब प्लस 49y, इन दोनों को दूसरी साइड भेज देते हैं जीरो की साइड, तो 14y स्क्वायर प्लस 36, नेगेटिव साइन था दोनों के साथ, दोनों को क्या हो गया पॉजिटिव। अब दोनों को क्या कर देंगे हम, सेम स्टेप फॉलो करेंगे, यहाँ पे y कॉमन आ गया दोनों में से, तो y कॉमन कॉमन ले लिया हमने, y कॉमन लिया तो इधर कितना बच गया, y स्क्वायर प्लस 49, और इसमें से 2 कॉमन आ रहा है हम दोनों में से, तो 2 कॉमन ले लिया तो 7y स्क्वायर प्लस 1 और 28 जो है 16, ठीक है। ये हो गया हमारा, ये कौन सी इक्वेशन नंबर 7 आ गई। इसमें क्या कर देंगे हम, स्केयरिंग बोथ साइड, स्केयरिंग बोथ साइड करेंगे तो हमारा क्या आ जाएगा, इधर से y का स्क्वायर, y स्क्वायर प्लस 49 का होल स्क्वायर और 2 का स्क्वायर, 7y स्क्वायर प्लस 18 का होल स्क्वायर, ये आ जाएगा हमारा, क्या हमारा यही आएगा। इसको हम कॉपी कर लेते हैं यहाँ से और नेक्स्ट स्लाइड के ऊपर चलते हैं, ठीक है। ये आ गया हमारा यहाँ से। अब हम क्या करेंगे, देखो यहाँ से तो ये क्वेश्चन मैंने यहाँ पे कॉपी कर लिया है। अब क्या करेंगे हम, इसको जहाँ जहाँ वाई स्क्वेयर है क्या करेंगे, इसको हम लास्ट क्वेश्चन क्या मानी थी हमने, 7th मानी थी, इसको हम क्या मान लेंगे, इक्वेशन नंबर 8 लेट कर लेंगे और क्या कर देंगे, पुट वाई स्क्वेयर इज इक्वल टू जेड, क्या पुट कर देंगे, जेड पुट कर देंगे हम, यहाँ पे क्या पुट करेंगे, जेड पुट कर देंगे, तो इधर से हमारा क्या जाएगा, यहाँ यहाँ ये है, ये है हमारा और ये है, तीनों की जगह क्या पुट कर देंगे, जेड, जेड प्लस 49 का होल स्क्वेयर, इधर से 2 का स्क्वेयर खोलेंगे 4 हो जाएगा, इधर 7z प्लस 18 का होल स्क्वेयर, ये हो गया हमारा। अब इसको हम क्या करेंगे, ओपन कर लेते हैं, ये जड़ हो गया, इसका हम होल स्क्वायर ओपन कर लेते हैं, तो क्या जाएगा, जड़ का स्क्वायर प्लस 24 का होगा तो हमारा कितना जाएगा, 2401z, तो इसको ओपन करेंगे तो 98z स्क्वायर, और इधर इसको करेंगे तो 4, इधर कितना हो जाएगा हमारा, 49z स्क्वायर प्लस इधर से कितना हो जाएगा, 324 प्लस 252z। अब इसको हम सेम जैसे लास्ट में हमने मल्टीप्लाई किया था, इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ, तो इधर से कितना हो जाएगा, जेड क्यूब प्लस 2401z स्क्वायर, क्या होगा ये हमारा, ये देखो मैं यहाँ पे थोड़ा गलत कर दिया है, इसका स्क्वायर ओपन किया तब इसका ये हो जाएगा, और जब हम 2ab से इसको ओपन करेंगे तो क्या जाएगा, 2098z, तो इसको हम ओपन करेंगे तो हमारा यहाँ से क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई करेंगे तो 2401z प्लस 98z स्क्वायर, और इधर हम करेंगे तो कितना हो जाएगा, 196z स्क्वायर प्लस 1296 प्लस 1008z। अब इसको रीअरेंज कर लेते हैं सभी को एक साइड लेके, तो हमारी क्या इक्वेशन आ जाएगी, यहाँ से जेड क्यूब माइनस 98z स्क्वायर प्लस 1393z प्लस 1296, और ये किसका आएगा हमारा, यहाँ पे नेगेटिव का इज इक्वल टू 0, तो ये हमारी कौन सी आ गई, इक्वेशन नंबर 9। तो ये हमारा यहाँ पे क्या हो गया, स्टेप नंबर 2 कंप्लीट। अब हम क्या फॉलो करेंगे, स्टेप नंबर 3, एक बार लास्ट बार पुट करना है हमें, एक बार तो हमने दो बार पुट कर दिया, अब हमें लास्ट बार क्या करना है, जेड क्यूब जेड स्क्वायर की जगह क्या पुट करना है हमें, यू पुट करना है, तो लास्ट स्टेप और देख लेते हैं। इसमें हम सेम ये ओड पावर है, ये ओड पावर है, ये ओड पावर है, दोनों को एक साइड रख लो, जेड क्यूब प्लस
1393z इज इक्वल टू 98z स्क्वेयर प्लस का हो जाएगा उस साइड जाएगा तो दोनों 96। ये हो गया हमारा। अब इसमें से जेड कॉमन आ रहा है हमारा, तो इधर कितना बच गया, जेड स्क्वेयर प्लस 1393, और इसमें से क्या कॉमन आ रहा है हमारा, 2 कॉमन आ जाएगा, तो इधर कितना बचेगा 49z स्क्वेयर, और इधर से आ जाएगा 648। अब क्या कर देंगे इसमें, क्या कर देंगे हम स्केयरिंग, ये इक्वेशन नंबर 10 मान लो, स्केयरिंग बोथ साइड, स्केयरिंग बोथ साइड करेंगे तो इधर कितना हो जाएगा, जेड का स्क्वेयर, जेड स्क्वेयर प्लस 1393 का होल स्क्वेयर, इधर 2 का स्क्वेयर हो जाएगा 49z स्क्वेयर प्लस 648 का होल स्क्वेयर। ये आ गया हमारा यहाँ पे। अब इस इक्वेशन को मैं आगे कॉपी कर लेता हूँ। तो अभी इसका इसमें हम क्या पुट करेंगे, मैंने लास्ट में बताया था आपको जेड स्क्वेयर है, क्या पुट करेंगे इसमें हम, यहाँ जेड स्क्वेयर इज इक्वल टू यू, पुट जेड स्क्वेयर इज इक्वल टू यू। लास्ट इक्वेशन हमारी 10th आई थी, ये कौन सी इक्वेशन आ गई हमारी 11th। इन इक्वेशन 11th तो जेड स्क्वेयर की जगह क्या पुट कर दिया मैंने, यू कर दिया। जेड स्क्वेयर यहाँ है और हमारा यहाँ पे, तो मैंने यू पुट कर दिया प्लस 1393 का होल स्क्वेयर इज इक्वल टू 2 का स्क्वेयर हमारा 4 हो जाएगा, 49u प्लस 648 का स्क्वेयर। ये हो गया हमारा यहाँ पे सीधा। अब हमारा इसको हम क्या करेंगे, सोल्व करेंगे स्टूडेंट्स, ठीक है। तो इसको सोल्व करेंगे तो u, इधर से u का स्क्वेयर प्लस इसका स्क्वेयर करोगे तो हमारा आएगा 1940449। हमारा क्या आएगा, ये आएगा यहाँ पे। फिर हम इसको आगे सोल्व करेंगे तो इसको पूरा ऐसे हम, फिर उसके बाद हमारा आएगा 2786u, फिर इधर 4 है, 29 को खोलेंगे तो हमारा 14990 प्लस 2401u का होल स्क्वायर प्लस 63504u। ये हमारा, इसको हम ओपन करेंगे तब आ जाएगा। और इसको हम क्या करेंगे, रीअरेंज करेंगे अगेन, तो हमारी क्या क्यूबिक इक्वेशन बन जाएगी, यहाँ से u क्यूब माइनस 6818u स्क्वायर प्लस 1686433u माइनस 169616 इज इक्वल टू 0। कौन सी इक्वेशन नंबर आ गई, 12। ये हमारा लास्ट फाइनल इक्वेशन आया स्टूडेंट्स यहाँ से, ठीक है। इसका थोड़ा कैलकुलेशन देख लेना स्टूडेंट्स यहाँ पे, कुछ थोड़ा बहुत कैलकुलेशन, लेकिन ये इक्वेशंस बिल्कुल राइट आई है हमारी। इधर कुछ कैलकुलेशन में थोड़ा बहुत मिस्टेक हुआ हो तो देख लेना इसको रीअरेंज करने पे, लेकिन ये हमारा बिल्कुल राइट इक्वेशन आया है यहाँ पे, ठीक है। अब ये आ गया, अब इधर हम क्या लिखेंगे, देयरफॉर इफ एक्स वन एक्स टू एक्स थ्री बी द रियल रूट ऑफ द इक्वेशन, क्या इसके है एक्स वन एक्स टू एक्स थ्री रियल रूट है हमारे तीन, सो ए जीरो यू का क्यूब प्लस ए वन यू स्क्वेयर प्लस ए टू यू प्लस ए थ्री इज इक्वल टू 0। ये इक्वेशन आ जाएगी। ये इक्वेशन क्या है, एक रियल रूट जो हमारा इक्वेशन क्यूबिक इक्वेशन रहता है वो है। अब इन दोनों को क्या करेंगे, कंपेयर करेंगे हम यहाँ पे, क्या करेंगे हम यहाँ पे कंपेयर करेंगे। तो कंपेयर करेंगे तो यहाँ से ए जीरो ए वन ए टू और ए थ्री की वैल्यू आ जाएगी, जो इनके साथ कोफिशियंट है, यू थ्री क्यू के साथ क्या है 1 है, यू स्क्वेयर के साथ 6818 है, ये ए वन की वैल्यू आ जाएगी, और इधर से ये इसकी क्या ए टू की वैल्यू आ जाएगी, और ये क्या आ जाएगी हमारी ए थ्री की वैल्यू आ जाएगी। तो आगे चलते हैं, कंपेयर इक्वेशन कौन कौन सी हमारी है, 12 एंड 13, इक्वेशन 12 एंड 13, ये दोनों इक्वेशनों को हम कंपेयर करेंगे, देन हमारी वैल्यू क्या क्या आएगी। देखो अभी हमारा x1 का मॉडुलस, x1 रूट निकालने के लिए हमें क्या क्या मॉडुलस करना पड़ेगा, तो हमारा क्या आएगा a1 की पावर 8 है 1/8, सिमिलरली हमारा x2 निकालने का फॉर्मूला है a2 / a1 की पावर 1/8, और x क्यूब निकालने का हमारा यहाँ से फॉर्मूला है a³ / a1
की पावर 1/8। अब ये सारी चीजें हमारे पास गिवन है। a1 की वैल्यू यहां से देखो, a1 की वैल्यू कितनी आ गई, ये हमारी क्या है, a1 की वैल्यू है। अब ये सारी वैल्यू, जहां भी नेगेटिव का साइन है ये भी क्या हो जाएगा, पॉजिटिव, क्योंकि हमने यहां क्या लिया है, मोड लिया है, तो सारी वैल्यू क्या आ जाएगी हमारी, पॉजिटिव हो जाएगी। ये बात ध्यान रखना आप, क्योंकि इनका भी मोड आएगा, क्या आएगा, इनका भी मोड आएगा हमारा, ये क्या है, मोड है सारे, तो ये सब क्या हो जाएगी हमारी, सारी वैल्यू पॉजिटिव हो जाएगी। तो a1 की वैल्यू हमारी कितनी है, हमारी 6818 की पावर 1/8। इसको हम कैलकुलेटर की हेल्प से सोल्व करेंगे तो क्या आएगा, 3.015। ये किसके नियरली इक्वल है, हमारा 3 के इक्वल है। तो पहला रूट क्या आ गया हमारा, यहाँ से अप्रोक्सीमेट रूट 3 आ गया। ये सब अप्रोक्सीमेट रूट निकालने के लिए, ठीक है, ये हमारा 3 आया। x2 देखो, a2 की वैल्यू यहाँ से हमारी क्या आएगी, ये हमारी क्या आ गई, a2 की वैल्यू आ गई, a1 की वैल्यू ये है देखो, ये हमारी a0 की वैल्यू, ये a1 की वैल्यू, ये a2 की वैल्यू, और ये a3 की वैल्यू, हमारी ये सारी आ गई, पता लग गया। हम यहाँ पे बस पुट कर रहे हैं, a2 की वैल्यू कितनी है, 1686433 6818 की पावर 1/8। तो इसको हम सोल्व करेंगे तो 1.992। तो अप्रोक्सीमेट रियल अप्रोक्सीमेट किसके आ गया, 2 के इक्वल आ गया हमारा। अगला देखो, a3 कितना हमारा, 1679616 1.18 की पावर 1/8 करेंगे तो ये हमारा कितना आएगा, 1.991 के अप्रोक्सीमेट। इसको सोल्व करेंगे तो ये भी हमारा अप्रोक्सीमेट किसके इक्वल आ रहा है, 2 के रूट पे। तो हमारे इस इक्वेशन के, जो हमारे क्यूबिक इक्वेशन का था, उसके क्या रियल रूट हो गए, 3 2 2 बी द रियल रूट ऑफ द गिवन इक्वेशन। हमारे क्या है, रियल रूट है जो हमारी गिवन इक्वेशन है उसके। तो ये हमारा क्वेश्चन था स्टूडेंट्स, यहाँ पे हमारे इसके रियल रूट आ गए, कुछ नहीं था, बस हमने जो स्टेप वन देखा, मैं आपके सारे एक बार दिखा देता हूँ, आगे तो वर्किंग रूल था, होपफुली आपको समझ में आ ही गया होगा। क्वेश्चन में हमारा क्या क्या था, यहाँ पे ये हमारा क्वेश्चन था, बस उसमें से हमने ओड पावर अलग लिया दोनों, ठीक है, क्या क्या ओड पावर हमने अलग लिया है, ये ओड पावर, ये ओड पावर, हमने क्या लिया, दोनों अलग अलग लिया है। उसके बाद क्या किया, ओड पावर को एक साइड ले लिया, इधर पे यहाँ पे हमने अलग अलग ले लिया, उसमें से x कॉमन ले दिया, इधर से x कॉमन आता x ले लिया, इधर से 2 कॉमन आता कॉमन ले लिया, फिर हमने क्या कर दिया, स्क्वेयरिंग बोथ साइड, स्क्वेयरिंग बोथ साइड कर दिया। तो ये हमने स्क्वेयरिंग बोथ साइड यहाँ पे इक्वेशन नंबर 4 में कंप्लीट कर लिया। फिर उसकी जगह हमने क्या पुट कर दिया, x2 = y पुट कर दिया, तो हमारी इक्वेशन ये बन गई। अब इस इक्वेशन को रीअरेंज कर दिया, ओपन कर दिया हमने, स्क्वेयर होल स्क्वेयर ओपन कर दिया, इसका होल स्क्वेयर ओपन कर दिया, और इस y किसके साथ मल्टीप्लाई, 4 किसके साथ, और रीअरेंज करके हमारी अगेन इक्वेशन नंबर 6 बन गई। फिर हमने अगेन स्टेप फॉलो किया, अगेन स्टेप फॉलो किया, फिर हमारी सेम प्रोसेस, फिर हमने क्या किया, y2 = z पुट कर दिया, फिर हमारी अगेन इक्वेशन नंबर 9 बन गई हमारी क्यूबिक इक्वेशन। तो इसको हमने फिर ओड पावर अलग ली, फिर क्वेश्चन को सेम फॉलो किया, और फिर हमने क्या पुट कर दिया, z2 = u पुट कर दिया। उसके बाद हमारी इक्वेशन नंबर 12 जो आई थी, उसको हमने बताया था कि x1 x2 3 हमारे रियल रूट है, और हमारा ये इक्वेशन नंबर 13 के साथ कंपेयर कर दिया, इधर से हमारी a0 a1 a2 और a3 की वैल्यू आ गई। तो हमने इसमें ये हमारा जो फॉर्मूला था इसमें पुट कर दिया, और ये हमारे अप्रोक्सीमेट 3 2 2 हमारी वैल्यू आ गई। तो यही था स्टूडेंट्स आज का लेक्चर, वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक जरूर करना, वीडियो को शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू।